वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। होटल के बाहर दबंगई, चाकू की नोक पर उत्पात और ये तोड़फोड़। ये है रफीक परदेशी उर्फ पाउडर। जनाब की गुंडई देख ली आपने, अब जरा बिगड़ी हुई चाल भी देख लीजिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। गुंडागर्दी करना पाप है, हमारी पाप है। चाकू की नोक पर उत्पात मचाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न सिर्फ बदमाशों का जुलूस निकाला, बल्कि जिस होटल में खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था, उसी होटल में ले जाकर झूठे बर्तनों को धुलवाया और उन बदमाशों ने पुलिस के सामने होटल मालिक से माफी तक मांगी। गुंडागर्दी करना पाप है, हमारी पाप है। तस्वीरें इंदौर के खजराना की है, जहां 6 दिन पहले ठंडी रोटी खिलाने पर होटल में रफीक परदेशी उर्फ पाउडर ने जमकर हंगामा मचाया था। पतीले, कढ़ाई सब फेंक डाली थी, ग्राहकों को भगा दिया था, हाथों में चाकू लेकर खूब उत्पात मचाया था। अब हालत देख लीजिए, 6 दिन के बाद की है। चाल बिगड़ी हुई है, तो एक के हाथ में पट्टी है तो एक के पैर में। हाल देखिए कि जिस हाथ में चाकू हुआ करता था, उस हाथ में कचड़ा है। इन बदमाशों को भी समझ में आ गया होगा कि भैया ये एमपी है एमपी, यहाँ कुछ गजब ही होता है। जी हाँ, यहाँ शिवराज शासन है और पुलिस का मोटो है देशभक्ति, जनसेवा। देशभक्ति तो ये थाने में सीख ही जाएंगे, फिलहाल तो जनसेवा का ऐसा पाठ पुलिस ने सिखाया कि कभी ना भूले। गुंडागर्दी करना पाप है, हमारी पाप है। जिस जगह पर दबंगई दिखाई थी, पुलिस बदमाशों को उसी होटल में लेकर गई। होटल में ले जाकर साफ सफाई भी कराई, प्लेट के साथ बर्तन भी धुलवाए और उठक बैठक भी कराई। घटना जमजम चौराहे की खाना खजाना होटल की है, जहां ठंडी रोटी पर बीते हफ्ते बदमाशों ने गर्मी दिखाई थी और चाकू लहराकर बवाल मचाया था, तो पुलिस ने उसी जगह पर बर्तन धुलवाकर सारी गर्मी शांत कर दी। घटना की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश रफीक परदेशी उर्फ पाउडर के साथ 3 और युवक शामिल थे। इसमें उसके 2 बेटे छोटू उर्फ फरीद और आसिफ के साथ एक नाबालिग भी शामिल था। चारों ने ठंडी रोटी के विवाद पर होटल में चाकू लेकर पूरे होटल में बवाल मचाया था। इस मामले में खजराना पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर केस दर्ज किया। टीआई दिनेश वर्मा ने बताया कि बदमाशों को सोमवार रात पकड़ लिया गया। उन्हें थाने से पैदल उसी होटल तक ले गए। यहां पर होटल की झूठी प्लेटें धुलवाने के साथ उनसे सफाई भी करवाई। उठक बैठक लगाते हुए बदमाशी नहीं करने की कसम भी खिलाई। वहीं बदमाशों ने होटल मालिक से माफी भी मांगी है। पुलिस के मुताबिक रफीक परदेशी पर पहले से ही अपराध भी दर्ज है, उसकी गुंडा फाइल कर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अब पुलिस ने ये तो बता दिया कि भैया यहाँ गुंडा राज नहीं, कानून का राज चलेगा और जो भी गुंडाई दिखाएगा उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जनता भी याद रखे और अपराधी भी ना भूल पाए। गुंडागर्दी करना पाप है, ये हमारी पाप है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।